नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूल कुमारी दीदी। आज हम सब चिड़ियाघर की सैर पर जाएंगे बच्चों। अरे वाह, मजा आएगा। दीदी दीदी, मुझे गोरिल्ला देखना है और मुझे शेर। अरे अरे, एक एक कर कर हम सब देखेंगे। ये पहुंच गए चिड़ियाघर। तो चलो अब हम इसके पहले बाग से ही शुरू करते हैं सर। अरे देखिए दीदी, वहाँ गाय घूम रही है। मेरा मतलब गाय माता। हाँ हाँ, सही कहा। भारतीय संस्कृति में गाय को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए हम उन्हें गाय माता बुलाते हैं। दीदी देखो, वहाँ एक कुत्ता है। इसका मतलब तो ये भाग पालतू जानवरों का है। जानते हो, अनेक लोग अपने घरों में गाय, भैंस, कुत्ता, चिड़िया ऐसे कई जानवर पालते हैं, इसलिए इन सब जानवरों को पालतू जानवर कहा जाता है। दीदी मेरे घर में भी एक पालतू बिल्ली है, उसका नाम है छबीली। छबीली? अच्छा, कभी हमें भी मिलवाना उससे। चलो अभी आगे चलते हैं। ये देखो, ये है हमारे जंगल का राजा शेर। यह जंगल में रहने वाले अनेक पशुओं पर राज करता है, चाहे वो बड़े जानवर हों जैसे हाथी, गेंडा, भालू, या छोटे जानवर हों जैसे खरगोश, लोमड़ी या हिरन। लगता है हम अब जंगली पशुओं के भाग में आ गए हैं बच्चों। पर देखो दीदी, यहाँ से चीता, गोरिल्ला और सियार भी दिख रहे हैं। अरे हाँ। अच्छा, आप जानना चाहोगे कि शेर, भैंस, लोमड़ी और इस तरह के अनेक चार पैरों पर चलने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? बताओ दीदी। इन सबको चौपाए जानवर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, चौ यानी चार, पाए यानी पैर, चौपाए जानवर। बिल्कुल ठीक। और अब लगता है आगे पक्षियों वाला भाग है। कितनी अच्छी लग रही है ना चिड़ियों की चहचहाने की आवाज। वो देखो, उसे मैना कहते हैं। और वहां देखो कोयल, वह अपना मधुर संगीत सुना रही है। ये सभी चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ती हैं। ग्लाइडर की तरह। दीदी, सारे पक्षी आसमान की सैर करते कितने बढ़िया लगते हैं ना? हाँ, पर कुछ पक्षी जैसे एंटार्क्टिका की पेंगुइन और ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रिच के हालांकि पंख तो होते हैं पर वे उड़ नहीं पाते। दीदी देखो देखो, वहाँ हिरन की टोली आ रही है। हाँ, उस टोली में तो हिरन के साथ बारहसिंगा भी है। जानते हो, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, इन जैसे जानवरों के सर पे सींग क्यों होते हैं? इनसे वे अपने आप की रक्षा करते हैं। अच्छा, ये उनके अपने हथियार हैं, सर पे लगे हुए। अरे दीदी देखो, लगता है हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के भाग में आ गए हैं। ये छोटे छोटे कमरे बने हैं इनके लिए चिड़ियाघर में। हाँ, तितली, भंवरे, मच्छर मक्खी, ये सभी अलग अलग तरीके के कीड़े होते हैं। इनमें से कुछ के चार पांव, किसी के छह या ज्यादा पांव भी होते हैं। इनके रंग रूप और खान पान भी अलग अलग होते हैं। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस निकाल कर शहद बनाती है और बीटल पेड़ों की पत्तियां को ही अपना भोजन मानते हैं। वो देखो दीदी, सांप। प्राणी जगत में रेंग कर चलने वाले भी अनेक प्राणी होते हैं जिनके एक भी पैर नहीं होता। यह लंबे होते हैं और अधिकतर
बिलों में रहते हैं, जैसे सांप, केंचुआ, अजगर और ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे कई कीड़े। दीदी, लगता है बारिश होने वाली है, आसमान में तो बादल आ गए काले काले। चलो चलो, आओ मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाती हूँ। वहाँ देखो दीदी, ये तो मोर है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे तुम तो मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा हो। हाँ, बारिश की संभावना को भांप कर मोर खुशी से अपने सुंदर सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। कितना सुंदर नजारा है ना? हाँ दीदी। जानते हो मोर को हम भारत का राष्ट्र पक्षी क्यों मानते हैं? इतना सुंदर जो है। और बाघ को हम भारत का राष्ट्रीय पशु मानते हैं। दीदी, अब लग रहा है बारिश जल्दी ही शुरू होने वाली है। चलो, अब चिड़ियाघर से विदा लेने का समय आ गया है। अलविदा हमारे प्यारे पशु पक्षी मित्रों, फिर मिलेंगे। अच्छा तो बच्चों, इस चिड़ियाघर की सैर से एक सीख जरूर याद रखना हमेशा। सीख? कैसी सीख दीदी? यही कि ये सारे पशु पक्षी भी हमारी ही तरह धरती माता के पुत्र और पुत्री हैं। इसलिए हमें हमेशा इनके प्रति प्रेम रखना चाहिए और कभी किसी भी पशु पक्षी को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ दीदी, यह सीख तो हम हमेशा याद रखेंगे। इतनी मनोरंजन सैर के लिए धन्यवाद दीदी। धन्यवाद बच्चों, आपको भी। अगली बार फिर मिलेंगे नई सीख के साथ।